तो सवाल हुआ कि मनुष्य कैसे बना और फरिश्ते कैसे बने। तो इस्लाम में ऐसा मानते हैं कि जब खुदा ने पहली बार आदम को बनाया, आदम यानी पहला पुरुष जिसको एडम कहते हैं यहूदी और ईसाई, और ईव कहते हैं पहली स्त्री को वो लोग, जो ईव मुसलमानों में हवा हो गई है, आदम हवा, एडम ईव, और उसी ईव से ईव टीजिंग, जैसे ईव टीजिंग का केस होता है ना, उसमें ईव वही है, वहीं से ईव आया है। तो एडम और ईव का मसला था, एडम बन गया है, आदम बन गया है, और उस समय ये प्रसंग आ रहा है कि जैसे ही एडम बना, बहुत सारे फरिश्ते दरबार में थे, तो अल्लाह ताला ने कहा, खुदा ने कहा कि सारे फरिश्ते आदम के सामने सजदा करेंगे। सजदा समझते हैं, ऐसे 3 बार करना। तो सबने कर दिया, एक ने नहीं किया। उससे कहा, मैं तो नहीं करूंगा भाई, क्यों करूं, ये तो मुझसे खराब है, मैं क्यों करूं। तो खराब क्यों है? उस फरिश्ते का नाम इबलिस था। इस्लाम में इबलिस को शैतान मानते हैं, जो शैतान की भूमिका में है वो इबलिस है। उसने कहा कि देखिए, मैं तो बुरा सोच नहीं सकता हूं, ये तो बुरा सोचता है, तो मैं क्यों सजदा करूं। तो यही बात ईसाइयत में आगे चलकर सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई। जो फरिश्ते हैं उनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि बुरा सोच ही नहीं सकते, उनका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। जा रहे हैं, पैसे पड़े हैं किसी के, मन में ख्याल ही नहीं आता कि रख लें, ख्याल ही नहीं आता है। उठाए, पुलिस स्टेशन गए, उसको दिए, आ गए, ख्याल ही नहीं आता उनके दिमाग में। हम सब तो थोड़े खराब लोग हैं, हमारे मन में ख्याल आ जाता है। किसी का फोन गिर गया है तो हम उसको देंगे या नहीं डिपेंड करेगा फोन कौन सा है। अगर बटन वाला है तो उसको बुला के दे देंगे कि भाई बिना बाप के पाप क्यों करेंगे, अरे भैया आपका फोन गिर गया है। और अगर गलती से एप्पल 10X टाइप का कोई फोन है, वो शानदार सा नया है, तो एक बार मन तो डोल ही जाता है। बेशक उससे बता, बुला के दे दे और कहेंगे देखो मैंने बुलाया आपको, तो कम से कम आधे पैसे दो मुझे इसके, कुछ भी हो, लेकिन मन में भाव तो आता है ना भाई। तो फरिश्तों के मन में ऐसा भाव ही नहीं आता है। और आदम को जो बनाया भगवान ने, आदम को इस शक्ति के साथ बनाया कि वो चाहे तो अच्छा काम करे, चाहे तो बुरा काम करे, उसके मन में बुरी इच्छाएं भी आती हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि भाई हम तो अच्छे हैं, ये बुरा भी हो सकता है, तो हम क्यों उसको सजदा करें। तो ईश्वर ने कहा, ईसाइत इस्लाम यहूदी में कॉमन बात मानते हैं, ईश्वर ने कहा कि तुम अच्छे बाई चॉइस नहीं हो, बाई कंपल्शन हो, ये बाई चॉइस अच्छा बनेगा।